यह है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर DDIS फर्स्ट जनरेशन और यह है डीजल कार। तो इस कार में प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर इशू ये आ रहा है, जो गियर बॉक्स है वो गियर बॉक्स के रिलेटेड है और इसके जो गियर्स है वो लग नहीं रहे ठीक तरीके से। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गियर है जो हार्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लगे जैसा करता है, लेकिन इसमें थर्ड और फोर्थ ही लग रहा है, फर्स्ट डालने के बाद में भी थर्ड ही लग रहा है और फाइव और रिवर्स के तरफ जो है जो गियर है वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा हार्ड है। तो ऐसे कंडीशन में एक तो शिफ्टर वगैरह से जाम होता है या फिर गियर केबल वगैरह से, कई गियर केबल निकल के अगर फंसता है तब इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। तो जो वन और टू जो गियर है वो गिरता ही नहीं है, सिर्फ थर्ड और फोर्थ ही गियर गिरता है और फिफ्थ और रिवर्स ये भी नहीं गिरता। तो दिखाता हूँ आपको कार के बॉनेट खोल के प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है और कैसे इसे सॉल्व करना है। गियर बॉक्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है या कोई केबल वगैरह निकलने से भी। तो सबसे पहले लगा देते हम इसका बॉनेट हुक। कार अगर आपकी भी कहीं रास्ते में ऐसा करती है तो बड़ा सिंपल तरीका, ऐसा कभी कभी केबल वगैरह निकल जाता है तो सबसे पहले जो इसका एयर फिल्टर खोलना है आपको, एयर फिल्टर का हॉस और ये सॉकेट। सॉकेट निकालते वक्त आपका जो इग्निशन है वो ऑफ रहना चाहिए और ये 10 के दो बोल्ट होते हैं। इस तरीके से जो पीछे है एयर फिल्टर के एक दो नॉब आते हैं जिसमें होल्ड करके रहता है, तो इस कार के तो जो है वो टूटे हुए हैं। और इसके ठीक नीचे देख सकते हैं आप गियर शिफ्टर वगैरह रहता है और केबल रहते हैं। तो देख सकते हैं आपको जहाँ एरो शो हो रहा होगा, तो इस जगह से जो है ये शिफ्टर में से कम्प्लीट निकल ही चुका है और बुश वगैरह लगे हुए हैं यही। और ये रहा केबल, तो ये केबल निकलने के बाद भी इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसका केबल नहीं निकला है। तो सिर्फ प्रॉब्लम जो है इसका इस तरीके से निकल चुका है सिर्फ बुश वगैरह से। और यहाँ का यहाँ पर जो है एक लॉक रहता है, सी लॉक जिसे कहते हैं हम, तो यहाँ से जो है वो लॉक निकल चुका है किसी वजह से। तो सारे सब कुछ हम निकालते हैं इसके बुश वगैरह और अच्छी तरीके से देख सकते इसे धो लेना है आपको पेट्रोल डीजल की मदद से और अच्छी तरीके से इसे ग्रीसिंग वगैरह करके जो है लगा देना है। और एक ये भी बुश है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बुश के अंदर गियरिंग में। तो ये रहा सी लॉक। तो ये सी लॉक बड़े मुश्किल से मिला है हमें, एक ऑटोमोबाइल्स की दुकानों में मिल नहीं रहा था, तो हमने जो है इसे बाइक की जो किक बॉक्स होती है जहाँ से इसे किक लगती है तो उसमें जो है लॉक आता है, तो उसका जो है हमने निकाल के लिए है। देख सकते हैं आप इस तरीके से किक बॉक्स में लॉक आता है, तो ये लॉक के लिए हमने जो है किक बॉक्स ख़रीदा था। तो देख सकते हैं आप जहाँ पर इसका शिफ्टिंग का बुश चलता है वहाँ पर अच्छे तरीके से धो धुला के आपको ग्रीस लगा देना है। जहाँ जहाँ बुश चलते हैं वहाँ पर सब तरफ ग्रीस लगा के इसे फिट करने के बाद जो है गियर अच्छे तरीके से स्मूथ पड़ते हैं। एक बुश पीछे से और एक बुश आगे से लगने वाला है। तो हमारे दोनों बुश लग चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर जो शिफ्टिंग का, इसके ऊपर भी ग्रीस लगा देते हैं।
और ये रहा बूश। ज़्यादातर इस तरीके से शिफ्टर लॉक में से कभी निकलता नहीं है, लेकिन इस कार का निकल गया है। ज़्यादातर आपका जो है इस कार के अंदर अर्टिगा, स्विफ्ट, कोई भी अगर गाड़ी के अंदर इस तरीके से जो गियर बॉक्स है उसका खाली सिर्फ गियर का केबल निकलता है, और गियर का केबल निकलने से ये सब कुछ प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इतने से छोटे से जो लॉक के वजह से है गाड़ी ने हमारे इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया है। इसके बाद जो है हमारा कभी गियर में प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो इसका शिफ्टर है वो हमने अच्छे तरीके से फिट कर दिया है। और ये रहा वो केबल जिसमें ज़्यादातर यही केबल निकलता है, तो इस तरीके से जब इसका बूश का जो प्ले वो ज़्यादा बढ़ने के बाद ही जो है इसका केबल निकलता है, ऐसे निकलता नहीं है। तो ये कर लेते हैं बाकी की सारी फिटिंग, एयर फिल्टर, हाउसिंग वगैरह सब कुछ लगा देते हैं और फिर लेते हैं एक छोटी सी ट्रायल। तो कहीं पर अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन होती है, अगर कहीं गियर वगैरह नहीं लगते रिवर्स वगैरह, तो आप ज़्यादातर इसका जो एयर फिल्टर खोल के वो चेक कर लिए अगर आपने, तो आपको जो है 100% जो इसका केबल निकला ही मिलेगा। ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है लीवर वगैरह निकलने का। तो मैंने जो ये है ये लीवर निकलने के लिए बनाया था जो गियर लीवर होता है, लेकिन वो जो है वो शिफ्टर के पास से ही निकल गया था। तो काफ़ी इजी होता है ऐसे चीज़ें जो है खुद से रिपेयर करना और गैरेज तक के ला लेना।